क्या क्या रिएक्शन मिले, जैसे आप लोगों ने मीडिया इंटरेक्शन भी किया, क्या रिस्पॉन्स था उनका, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आप लोगों को? रिस्पॉन्स अब तक काफ़ी अच्छा आया है बेसिकली, तो अब तक जितनों ने भी फिल्म देखी है सब लोग को फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, एंड सबको यूनिक चीज़ वही लगी कि मूवी में डायलॉग्स बहुत कम है एंड उसको काफ़ी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सो वो एक चीज़ कईयों को पसंद आई, और जैसा कि कईयों ने कहा कि हर कोई मूवी को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है, एंड वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जो हमारा इंटेंशन था वो क्लियर हो रहा था, कि लोगों को वो चीज़ें समझी, कि भले ही कम डायलॉग थे मगर लोगों को वो समझ रहा था कि कैरेक्टर्स के इमोशन क्या है और कैरेक्टर क्या कहना चाह रहे बगैर बोले, तो रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था आज तक का। टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में बताइए, और प्रिपरेशन क्या करनी पड़ी किरदार को लेकर? प्रिपरेशन अच्छी बात ये थी कि स्क्रीन टाइम जैसा भी था लेकिन प्रिपरेशन का बहुत टाइम मिला, सो इवन इफ लाइक लेट्स से 5 मिनट का रोल हो एंड द डायरेक्टर्स गिविंग यू सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, तो गिटार सीखना पड़ा, तो 1 महीने गिटार सीखा, दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि आज तक मैंने लाइफ में इंस्ट्रूमेंट तो बजाया ही नहीं था, तो थैंक यू वैभव फॉर दैट, दैट वाज अमेजिंग। और प्रिपरेशन में मेन चीज़ ये थी कि टू अंडरस्टैंड माय रिलेशनशिप विद रिया, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मैं उससे फिल्म में पहली बार मिल रहा हूँ, तो हमने ऐसा मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं उससे बात ही नहीं करूँगा फिल्म से पहले, क्योंकि अगर पहली बार मिल रहा हूँ तो पहले बातचीत करने का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, तो टाइम काफ़ी मिला प्रिपरेशन के लिए, एंड बहुत अच्छा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया एंड बहुत मज़ा आया काम करने में इस प्रोजेक्ट में। वैभव, रिया इज़ नॉट हियर, बट थोड़ा सा अगर उनके किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताए, और कितना इम्पोर्टेंट होगा स्टोरी के लिए इनका ये किरदार? सो इस तरीके का कैरेक्टर ऑनेस्टली किसी को भी नहीं मिलता है, मतलब हम कई बार आजकल फीमेल कैरेक्टर्स और उनकी बात करते हैं, बट देन 95% ऑफ द स्क्रीन टाइम आई डोंट थिंक इवन मेल कैरेक्टर्स को मिलता है, तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि इतना अच्छा एंड इतना बड़ा कैरेक्टर मिला है, एंड उनके लिए उनके पास स्कोप बहुत था डिफरेंट इमोशंस पोर्ट्रे करने का, एंड जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन की थी, एंड वही चीज़ हमें रियलाइज़ हुई कि जितना हम चीज़ों को नेचुरल रखें वो बेटर रहेगा। एंड जैसा कि आपने एक चीज़ पूछी तो मैं कहूँगा कि जब मैंने उनका ऑडिशन लिया था तो वो ऑडिशन बहुत ही डिफरेंट था, उसमें मैंने उन्हें कोई डायलॉग नहीं कहे थे और कुछ भी नहीं कहा था, उनके लिए जस्ट एक सिंपल था कि आप बेड पे बैठी हो, आपके हाथ में वो स्ट्रिप है HCG एंड उसका रिजल्ट नो है, तो जस्ट 45 सेकेंड्स के लिए आप बैठी हो। सो उसमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आदमी अपने आप के साथ कितना कम्फर्टेबल है, बिकॉज अगर मैं आपको डायलॉग दे दूँ या एक्शंस दे दूँ या हाथ में कुछ चीज़ थमा दूँ तो वो तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है, एंड हम काफ़ी सारे इमोशंस उसमें दबा देते हैं, छुपा देते हैं, तो इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। तो जब आप उनके शॉर्ट्स भी इसमें देखोगे तो प्लांट शॉट का जो है, प्लांट पॉट के यहाँ पे, वो बहुत ही एक रेपिटेटिव शॉट है कि वो इनकी एक डेली एक्टिविटी है कि वो रोज़ सुबह उठती है, प्लांट में पानी डाल रही है, तो प्लांट बेसिकली उनके वूम से कनेक्टेड है कि वो प्लांट एम्प्टी है फिलहाल, एंड एंड में जाके हम देखते हैं कि उसमें एक सीड ग्रो हुआ है, तो उस सीन को इंटरेस्टिंग से ज़्यादा जस्टिस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर उसको एक ही जैसा रख देते तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता, तो अगर आप चारों सीन को साइड बाय साइड देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट है वो चारों सीन, हर प्लांट पॉट सीन में आपको एक डिफरेंट इमोशन दिखेगे, तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया, एंड शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस। लाइक ऑल्सो यूथ को कितना कनेक्ट करेगी, और रिलीज़ का क्या प्लान है, कहाँ पर रिलीज़ होने वाली है, क्या OTT प्लेटफॉर्म की तरफ जाने वाला है या फिर थिएट्रिकल रिलीज़ की तरफ आप लोग जाने वाले? तो मेरा ये मानना है कि ये फिल्म यूथ को डेफिनेटली कनेक्ट करेगी, क्योंकि आजकल हर कोई स्पेशली ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, इनफर्टिलिटी इशूज़ और ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ गई है, एंड हर कोई आजकल कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस और उसमें है, आजकल हम जिधर भी देखते हैं लोग डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो यूथ बहुत ही इजीली ये जो कम डायलॉग वाला ट्रीटमेंट है उसको रिलेट कर पाएगी अपनी लाइफ से कि हाँ ये चीज़ मेरी भी लाइफ में हुई थी, तो हो सकता है एक जन उसको रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से रिलेट करे, हो सकता है एक जन उसको अपने जॉब या सैलरी से रिलेट करे, हो सकता है कोई उसको अपनी फैमिली लाइफ से रिलेट करे, सो वो चीज़ डेफिनेटली एक यूनिक एस्पेक्ट है फिल्म का, एंड फिल्म जल्द ही 6 मई
2022 Vimeo ऑन डिमांड पे रिलीज होएगी एक ट्रांजैक्शनल बेसिस पे, तो आप फिल्म को 300 रुपीज़ में रेंट कर सकते हैं एंड अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप मूवी को बाय कर सकते हैं 750 रुपीज़ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।